मैनू नहीं पछाणिया, मैं भगत सिंह अपने आजाद हुए मुल्क नू वेखण आया सी। पर तू कौन है? आजाद मुल्क वेखण आया ते आजादी नू नहीं पहचाणिया? तू आजादी? ए नहीं हो सकता, आजादी तो बहुत खूबसूरत हुंदी है, तू आजादी नहीं हो सकती। जेड़ी आजादी का सुपना तू वेख्या सी ओदा तेरे नाल ही पांसे चढ़दी सी। सब तो पहला सारे रल के फतेह दी सांझ पांदे आ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अज इस मोर्चे दे विच फिर अपनी हाजिरी लाउंदे होए पेश करांगी एक प्ले जिसका नाम है भगत सिंह ते गुलाम आजादी। उम्मीद करती हाँ तुहानू सारयां नू पसंद आएगा। मेरा रंग दे वसंती चोला, 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 माए रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे वसंती चोला। लगदा मुल्क बहुत तरक्की कर गया, पहचाने मैनू? मैं भगत सिंह अपने आजाद मुल्क नू वेखण आया सी। मैं सुनिया एथे नौजवान मेरे बहुत फैन ने, ते वेखना चाहुंदा सी के आजादी किद्दां दी लगदी होवेगी। की होया थानू? कौन है तू? मैनू नहीं पछाणिया? मैं भगत सिंह अपने आजाद होए मुल्क नू वेखण आया सी। पर तू कौन है? आजाद मुल्क वेखण आया ते आजादी नू नहीं पहचाणिया? तू आजादी? ए नहीं हो सकदा, आजादी तो बहुत खूबसूरत हुंदी है, तू आजादी नहीं हो सकदी। जेड़ी आजादी का सुपना तू वेख्या सी ओदा तेरे नाल ही फांसी चढ़ गई सी। मैं तो इन्हां हुकूमतां दे पैरां दी जुत्ती हाँ। मैनू तेरे ते यकीन नहीं, मैं खुद वेखना चाहना, मैं वेखना चाहना नौजवानों विच अपने आप नू, मैं वेखना चाहना अपने कॉलेज अपने पिंड नू। जेड़े नौजवानों विच तू अपने आप नू वेखना चाहना उन्हां विचों कुछ नू सरकारां ने नशिया ते ला दिता ते कुछ आईलैट्स करके बाहर जाण नू काले ने, ते जेड़े बचे होए ने ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2 GB ਦਾ ਨੈੱਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਤੇ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਚੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਕਿਸੇ TV ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਧਾ, ਕਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਸੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਐਕਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਕੋ ਆਮ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਹੌਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ
इस मुल्क के दो टुकड़े हो गए सन ते लाहौर हुण पाकिस्तान विच है। दो टुकड़े मतलब यह किवें हो सकता है? तेरे कहण दा मतलब है कि पंजाब हुण पाकिस्तान च है, असी इस देश दा हिस्सा नहीं रहे? पूरा नहीं, सिर्फ अद्धा पंजाब, ते उस अद्धे पंजाब विचों भी वंड के हकूमतां ने हरियाणा ते हिमाचल बना दिता। यह किवें हो सकता है? तुसी पंजाब नूं किवें वंड सकदे हो? जिस पंजाब ने आजादी लई सब तों वध कुर्बानी दित्ती सी तुसी उसे ने उजाड़ दिता। आजाद भारत विच पंजाब नूं मिलिया की? आजाद भारत विच पंजाब नूं बहुत कुछ मिलिया। पंजाब दे हिस्से आईयां फांसियां, पंजाब दे हिस्से आए काले तारे, नीले तारे ते कल्लू कारे। बस मैं होर कुछ नहीं वेखना, इस वंडे हो मुल्क चों मेरा ना कर दियो, मैं जा रहा हूं। भगत सिंह, तू कहना है कि आजादी खूबसूरत हुंदी है, जिते पांच पांच साल दियां बच्चियां नाल रेप हुंदे ने, धर्म दे नाते दंगे हुंदे ने, जिथे किसान फाहे लेके मरदा होवे ते जवान चिट्टा पीके, वो आजादी किवें खूबसूरत हो सकती है? वो आजादी किवें खूबसूरत हो सकती है? वो आजादी किवें खूबसूरत हो सकती है? उम्मीद करती हाँ तुहानू सारिया नू ए प्ले पसंद आया होवेगा। मैं तुहाडा सारिया दा धन्नवाद करना चाहुंदी हाँ कि तुसी अपना घर बार छड़ के इस मोर्चे दे विच अपना पूरा पूरा योगदान पा रहे हो। तो जेड़े लोग हजे भी अपने घर विच बैठे ने, मैं उन्होंने कहना चाहती हाँ कि तुसी भी इस मोर्चे दे विच आओ ते अपनी हाजिरी लगवा के जाओ। धन्यवाद जी।